नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर गौरव प्रसाद मस्ताना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भोजपुरी साहित्य में तमाम रचनाएं की हैं, तमाम ऐसी चीज़ें इस साहित्य को दी हैं जो आज भी मिसाल के तौर पर पेश की जाती हैं। तो गौरव प्रसाद जी, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूँ कि साहित्य की तरफ आपका झुकाव या लगाव कब से हुआ और क्यों हुआ? साहित्य के तरफ हमर लगाव समझल जाओ कि बचपने से। हमर गुरुजी भोजपुरिया रहनी, हमार आवाज़ बहुत अच्छा रहे, गॉड गिफ्टेड आवाज़ कहल जाए। जब हम गाई तो सब गुरुजी लोग बड़ा खुश हो गए, उहों के खुश बहनी। अब हर साल स्कूल के जितना कार्यक्रम होके ओमें हमरा मौका मिले, ओमें हम पुरस्कार जीती, धीरे धीरे हमार उत्साह वर्धन होत गए। हम भोजपुरी भाषा में कुछ लिखे लगनी, कुछ गावे लगनी, कुछ पढ़े लगनी। इस तरह से हमरा ये भाषा के प्रति रुचि बचपने से जागी। रुचि जागी, वो रुचि किस तरह से प्रोफेशन में तब्दील हुई? क्योंकि आपने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, रचनाएं की हैं, वो सब कैसे हुआ? जब हम कॉलेज में गए नी और वहाँ जब गावे लगनी तो हमरा एक कुछ मित्र सलाह दिया लो कि भाई दूसरा के लिखल गीत काहे गाओ तरह, तो हिंदी के विद्यार्थी बढ़ भोजपुरी भाषा भाषी बढ़ तो कुछ अपने लिख। तो संजोग से हमरा शिव प्रसाद किरण जी के, ये भोजपुरी के बहुत बड़ा कवि रहने, हम वहाँ के मानसिक गुरु मानी ले। हालांकि हम वहाँ से कुछ कख होगा सीखनी ना, लेकिन उठते बैठते सुनते एगो संस्कार हमरा में आ गए आ हमहू लिखे लगनी भोजपुरी में। आ तब से भोजपुरी में अपने लिखल गीतवा के हम गावे लगनी आ जगह जगह मंच देवे लगनी, काफ़ी लोकप्रियता मिले लागल, अब पैसा भी मिले लागल। वही समय नसबंदी कार्यक्रम चल रहे, परिवार नियोजन छोटा परिवार करे के, तो सरकार की योजना रहे एगो कि परिवार नियोजन के प्रचार करे खातिर भोजपुरी गीत के सहारा लिया जाए। तो साँची में अपने के हसम भी सुन के कि वह 150 रुपया मिले 5 गो गीत गावे ला, आ हमनी के जा जाके मंच पर गाई सन आ गा के जब मंच से उतरी तो 150 रुपया मिले। इस समय रहे ओबरा 71-72 के, 1971-72 के, अब 150 रुपया के बड़ा मोल रहे। जब घरे 150 रुपया लेके आई सन विद्यार्थी के रूप में तो लागे जो कुर्ता पैजामा सब सिया जाए, किताबों कॉपी किना जाए। तो भोजपुरी से जौन प्रेम भइल उससे पैसा भी आवे लागल, आए अपन उनमें लिखे पढ़े के रुचि भी पड़े लागल। चलिए, गीत की बात की आपने, तो क्यों ना आपका कोई गीत सुना जाए जो आपको सबसे करीब हो दिल के? देखिए, गीत तो हम सुनाएं अब देखें, लेकिन पहले गीत सुनाएं कि भोजपुरी का है, भोजपुरी से हमारा लगाव काहे बा, एकरा पर हमें वो गीत सुनाओ। तनि सुनल जाओ गीत के मथेला बा पुरुबिया, तो ना कि शीर्षक कह जला हिंदी में, हमने के भोजपुरी में मथेला कही के भाषा भोजपुरी ला बरपित उमेरिया पुरुबिया है, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया है, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया है, हमारी अंगनवा में गंगा जी के धार बा, अरिया अरिया दूनू ओरिया तीरथ हजार बा, काशी विश्वनाथ देव घर पुण्य धाम बा, सुबह बनारस के अवध के शाम बा, कने कने माटी हवे देवल दुआरिया पुरुबिया है, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया है, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया है, चमक दमक देश राज राजधानी के, खून भाप से न देई हम ही सवारी ले, हमरे से जीते लाजे राजपाट भोगेला, देखी दूर भाग हम ऊ नहीं से हारी ले, के हमरे से दम केला दिल्ली के अटरिया पुरुबिया है, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया है। आ अंतिम बंद देखल जाओ जे भोजपुरिया समाज बड़ा बहादुर है,
के हमही मरद एक पानी के कहाइले, के हमही मरद एक पानी के कहाइले, देशवा के मान प्राण देई के बचाइले, के मर जाई भले पीठ कबो ना देखाइले, अब बाह काटी अपनी गंगा माई के चढ़ाइले, कि बाबू वीर कुंवर सिंह के हम ही तेरुवरिया पुरुबिया हई, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया हई, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया हई। बहुत सुंदर गाना सुनाया आपने, लेकिन आपने भोजपुरी के साथ में हिंदी में भी काफ़ी काम किया है, तो अगर दोनों भाषाओं की बात की जाए तो अधिक प्रेम किस भाषा से रहा है आपको? अब देखल ना जे हिंदी से हम एम ए कैनी, हिंदी में PhD कैनी, हिंदी के गुरुजन लोग के संग रहनी, तो हिंदी के संस्कार तो बढ़ले बा, लेकिन माई भाषा हमार भोजपुरी है। ऐसा बात है कि हिंदी में हमार 4-5 किताब बा, अभी काव्य महाकाव्य भी छपे जा रहा बा, बाकी हम साँच ही कहीं कि हमारा अपना माटी के भाषा से जौना के माई भाषा कहले ओकराला हम गीत जो सुनौनी है कि उमिर ही अर्पित बा ओकराला, ओकर जितना विकास हो जाए आ बुझी जीवन वही दिने धन्य हुई जौन दिने ये बोली जौना के लोग बोली कहता हम भाषा कहले, ये भाषा संविधान के 8वीं सूची में आ जाए हमार जिंदगी धन्य हो जाए। बहुत अभी बड़े मंच पर चीज़ें चल रही हैं कि कैसे इसको लाया जाए ऊपर तक, लंबे समय से चल रहा है, कैसे देखते हैं पूरे माहौल को कि क्या वाकई लगता है कि अब वो समय आ गया जब भोजपुरी को सम्मानित दर्जा दिया जाएगा? देखिए भोजपुरी साहित्य इतना समृद्ध साहित्य हो गई बा, इतना किताब निकल गए, लेकर व्याकरण निकल गए, शब्दकोश निकल गए, कई गो यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ लेता बिहार से उत्तर प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक ले, मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी का अकादमी बन गए, एक इतना विस्तार होता है देश विदेश, मॉरिशस, गुयाना, घाना, सिंगापुर, फिजी, इस सब चल गए, नेपाल, नेपाल में या मॉरिशस में तो दूसरी राष्ट्रभाषा बा, वहाँ का राजभाषा बा, इतना विस्तार होता लगभग 25 लोग बोलता, एक आज ना तो बिहार एक संगे कितना अन्याय हुई आ कबले केहू दबाई, ये दबे वाला भाषा नहीं खे, ठीक बा कुछ राजनीतिक लोग के कमजोरी बा ऐसे ही तनी पिछुआइल बा, लेकिन सरकार के दुआरी पर दस्तक दिया रहल बा, खास करके भोजपुरिया जन जागरण अभियान कराला, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करता आंदोलन कर रहल बा, सरकार के अब कान कुछ खुलल बा, उम्मीद हमनी के बनता प्रधानमंत्री के भाषण से कि ये भोजपुरी के जल्दी मान्यता मिल जाए। मान्यता की बात कर रहे हैं, अमूमन ही मैथिली वर्सेज भोजपुरी का मामला सामने आता है और कई बार ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं जो बड़े अलग तरह के होते हैं, इस पूरे दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैथिली और बिहारी एक भाषा है, ओकरो क्षेत्र बिहारे में बा और जगह तनी मनी बा बोले खतरा तनी मनी, लेकिन मूल रूप से ये मधुबनी आ दरभंगा थोड़ा भाग समस्तीपुर के इतने क्षेत्र में लगभग करोड़ों लोग बोले लायक रहे, विद्यापति कर महान कवि रहनी, हमनी के कोनो भाषा से कोनो बोली से कोनो दुराव नहीं है, ओकरो सम्मान बा, ओहू में हमनी के गीत गाइले सन, शारदा सिन्हा जी गावेली मूल रूप से मैथिली के कवि कवित्री है, गायिका है, आप भोजपुरियों में गावेली, देखिए जब शारदा सिन्हा पद्मश्री होकर जब मैथिलियों में गाओ तारी भोजपुरियों में गाओ तारी तो दुराव कहाँ बा, तो भाषा से दुराव ना रखे चाहिए, सबके आदर करके चाहिए, लेकिन हमार माई भाषा भोजपुरी है, इसलिए हम चाहे मैथिली के तो मिल गए अधिकार, लेकिन 25 भोजपुरिया तो पिछुआइल बा, अब अपना अधिकार के लड़ाई लड़ता उम्मीद बा, उम्मीदे पर दुनिया टिकल बा, केकरो मान्यता मिली। ये एक चीज़ और सामने आती है निकल के कि क्या भोजपुरी बोली है या भाषा है, क्योंकि अमूमन सुनने को मिलता है कि ये बोली है भाषा नहीं है, अगर भाषा है तो किस तरह की भाषा, किस तरह से इसको मान्यता है? देखिए भोजपुरी कोनो भी भाषा पहले बोली होला, लेकिन जब ओकरा में साहित्य के अवतरण होके लागेला, जब ओकरा में व्याकरण आ जाला, जब ओकर शब्दकोश आ जाला, जब एक से एक विद्वान लोग और काम करे लागेला, तो भाषा के रूप लेला। भोजपुरी आज के भाषा ना हो, कबीर के कर आदि कवि मानल जाला, तो सोची कि कबीर के पहले भी भोजपुरी रहे, लेकिन कबीर जी ओकरा के ज्यादा विस्तार देनी, आजो लोग कह लागे
जितना निर्गुण दुनिया में लोग आवत है, दुनिया में भारत के छोड़ दी, ये निर्गुण एगो ऐसा चीज बा जो कबीर जी के लिखल है, वहीं से जन्म भइल एकर आ भोजपुरी में बा। तो कबीर एक आदि कवि हुए, आज कबीर के हिंदी साहित्य में भी पढ़ावल जाता आ भोजपुरी साहित्य में पढ़ावल जाता। तो बोली तो रहबे करी, मैथिलियो बोलिए रहे, संविधान में जन दिन मान्यता भी गई रात रात भाषा हो गई, ओकरा पहले एक दिन तो बोलिए रहे। वही तरह भोजपुरी के जितना लोग बात साजिश करे वाला बोली कहता भाषा हो, आज एक कि इग्नू में पढ़ावल जाता। अब इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो बा, विश्व प्रसिद्ध ओपन यूनिवर्सिटी बा, ओकरा में भोजपुरी के सर्टिफिकेट कोर्स में भोजपुरी पढ़ावल जाता। ये भाषा ना रही तो इग्नू में एक मान्यता ना मिली। आठ आठ गो यूनिवर्सिटी में एम ए तक ले भोजपुरी के भाषा के रूप में पढ़ावल जाता, एम ए के परीक्षा होता, लोग पी एच डी करते एम ए। बोली कैसे रह गई बा, आजो अगर कोई बोली करता तो अन्याय करता, ये भाषा से ईर्ष्या करता, ये भाषा के अपमान करता। वो लोग के जाने के चाहे कि भोजपुरी के दुनिया बहुत विस्तृत हो गई बा, 25 करोड़ लोग बोलता। अगर ये बोली रही तो मॉरिशस सरकार इतना बुड़बक बा जरा के भाषा के दर्जा दी, नेपाल सरकार इतना बुड़बक बा जरा के भाषा के दर्जा दी। एक मैं बात जानना चाह रहा था कि जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, क्या वो भी एक रोड़ा है इस भाषा को संवैधानिक मान्यता देने में? देखो अपने के बड़ा माकूल प्रश्न कहनी है, पैसा कमाए वाला लोग के कोनो ईमान ना होला, कुछ लोग मेहनत से कमाला, ईमानदारी से कमाला, ज्ञान आ बुद्धि से कमाला, आ कुछ लोग जो कूड़ा करकट से भी पैसा उठावे में लाज शरम ना करेला। तक जेकर यह विचार में बा जे गंदगी परोस के पैसा कमाई जाए, जेकरा अश्लीलता परोस के पैसा कमाए के बा, वैसा लोग हिंदियों में बा, अंग्रेजियों में बा। अरुआ देखब तो अंग्रेजी में जितना पोर्न फिल्म बनता, गंदा फिल्म बनता, उतना भोजपुरी में नहीं खेल। अरुआ हिंदी सिनेमा जाके देखा, हम बेटी बहन के संग अरुआ दर्जनों ऐसा फिल्म बा जौन अपना परिवार के संग हिंदी के फिल्म अरुआ नहीं दे सकत। तो ये दोषारोपण खाली भोजपुरी पर का है, आ खराब का लोग तो सब भाषा में बा, वे दो चार गो खराब का लोग भोजपुरी में आके पैसा कमाए खातिर एक गंदा कर। बाकिर इहो मानी कि जावेद अख्तर जैसन बढ़िया शायर, प्रसून जोशी खड़िया बढ़िया गीतकार, ये लोग जब फिल्म में लिखा था कोनो ना कोनो गीत पर भोजपुरी के शब्द ऐसा ढंग से लगावता जो गीत हिट हो जाता और फिल्मों हिट हो जाता। चलिए बहुत सारी बातें बताएं, लेकिन चलते चलते आपका एक और गीत सुनना चाहेंगे। देखिए गीत तो बहुत बा, मैंने एगो गीत हम सुना रहा बनी, क्योंकि बात रूबरा कहनी है कि काहे इतने हो रहा बा कि अश्लीलता आ गई। तो हम रुआ से कहनी कि पैसा के चलते लोग के दिमाग जे बा से तनी सैठिया आ गई बा, हर आदमी पैसा के पीछे भागता, यही से गड़बड़ी बा। देखिए हम यही पर एगो भोजपुरी के गीत सुनाओ दे रहे कि ना जानी कितना बीमार करी पैसा, ना जानी कितना बीमार करी पैसा, का तो पिका थी उघार करी पैसा, ना जानी कितना बीमार करी पैसा, ना तखो तेबा जहावा बचानी, अकेहू ना निहारे कहीं टूटही पलानी, अखिया के अंगना से नेहिया पराइल, देहिया में कितना दरार करी पैसा, ना जानी कितना बीमार करी पैसा, कहियो न चान आइल हमारी अंगनवा, कहियो न चान आइल हमारी अंगनवा, बिहसल नाही तनिको हमारी सपनवा, के दूनो पख अमावस भैली हमारे लकाहे, केतना जोरिया अनहार करी पैसा, ना जानी केतना
बीमार करी पैसा रोपया रुआवत बाटे करे मन मानी धन धकावत बाटे जरे जिन गानी केतना पिराई आखिर केतना गिराई केतना हिया के तारे तार करी पैसा ना जानी केतना बीमार करी पैसा का तो पिका थी उघार करी पैसा ना जानी केतना बीमार करी पैसा। बिल्कुल, जैसा हमने सारी बातचीत में देखा कि सही गलत साहित्य फिल्में समुदाय हर जगह हैं, लेकिन उसको बेस बनाकर या उसको एक आधार बनाकर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज़ को संवैधानिक चाहे हम मैथिली भाषा की बात करें तो कुछ एरिया में बोली जाती है, लेकिन अगर भोजपुरी की बात करें तो एक 25 से 30 करोड़ के आसपास की आबादी आज भोजपुरी भाषा को बोलती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने गोरख जी से बात करते हुए जानी कि इनको आधार बनाकर कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी कि कब तक भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता मिलती है। आमने सामने में आज इतना ही। नमस्कार।